मधुबनी जिला के शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर के दो बच्चों का नेशनल कबड्डी टीम में चयन होने से जिले भर में खुशियों की लहर देखी जा रही है। खासकर खेल प्रेमियों एवं एकेडमी के संचालक सह कोच इसराफिल नदाब के द्वारा अपने देखरेख में 55 से 56 बच्चों में से तरासे गए, यूं ही कहे कि तैयार किए गए दर्जनों बच्चों में से दो बच्चों का चयन कबड्डी टीम अंडर 14 एवं अंडर 17 के लिए किए जाने पर खुशी का इजहार किया गया। आपको बताते चले कि खुशी का ठिकाना नहीं है, वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोच भी नेशनल कबड्डी के प्लेयर रहते हुए इंटरनेशनल खेल चुके हैं। दुर्भाग्यवश बाइक दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद उन्होंने आगे खेलना बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर खेल की बलखाती भावना ने इन्हें खेल से जुड़े रहने के लिए बाध्य करता रहा। तो इन्होंने भगत सिंह कबड्डी अकेडमी राजागढ़ राज कैंपस में चलाना शुरू किया। लगातार 2-3 वर्षों के मेहनत के बाद दर्जनों कबड्डी के अच्छे प्लेयर को तैयार कर इन्होंने जिला स्तर पर अपने अकेडमी का पहचान स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। इनकी कामयाबी चर्चा में तब आया जब इनके अकेडमी से दो बच्चा शिवराम कुमार एवं लक्ष्मी पासवान का चयन राष्ट्रीय टीम में हुई और इन दोनों को इंडो नेपाल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने का बुलावा आया। और जब शिवराम कुमार एवं लक्ष्मी पासवान जैसे साधारण परिवार के बच्चों को अकेडमी की को साथ खेलने वाले साथ खिलाड़ी और अन्य खेल प्रेमियों की उपस्थिति में पाग और माला पहनाकर हौसला अफजाई करते हुए खुशी खुशी नेशनल टीम के प्लेयर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए विदा किया गया। इस मौके पर इनके कोच इसराफिल नदाब, अमरनाथ, भाजपा नेता सुजीत पासवान, पवन श्रवण कुमार शाह, सुधांशु सहित एकेडमी के मेल एवं वुमेन साथियों के साथ ही हमारे संवाददाता राजीव कुमार झा ने शिवराम कुमार एवं लक्ष्मी पासवान का हौसला अफजाई करते हुए अग्रिम शुभकामना एवं बधाई देते हुए विश्वास जाहिर किया है कि दोनों बच्चे बुलंदियों का परचम लहराकर ही घर वापस आएंगे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। सर, आज के दिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरे लिए गौरव की बात है, और मेरे लिए नहीं, पूरे राजनगर के लिए और मधुबनी के लिए गौरव की बात है। मेरे लिए खास तौर पर कि ये जो कबड्डी का एकेडमी चला रहे हैं इसराफिल नदाब, वो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। मैं यहीं राजनगर विश्वविद्यालय के गणित विज्ञान का शिक्षक हूँ और खेल प्रेमी हूँ। और अभी जिन दो बच्चों का इंडो नेपाल कबड्डी चैंपियनशिप में चयन हुआ है, ये दोनों भी हमारे छात्र रहे, इस नाते भी मेरे लिए गौरवशाली क्षण है, गौरव का क्षण है। और मैं मानता हूँ, और हम ही नहीं सभी शिक्षाविद मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना जरूरी है। और आज आप देखे होंगे ग्राउंड में कि मैट नहीं है फिर भी बच्चे खेलते हैं। तो ऐसे जगहों पर जहाँ जहाँ इस तरह के लोग, इसराफिल नदाब जैसे लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे खेल प्रेमियों को, ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए, और हर जगह छोटे छोटे स्तर पर इस तरह के खेल का आयोजन हो। और क्रिकेट में जैसे महेंद्र सिंह धोनी पैदा हुआ, जैसे हमारे राजनगर से इसराफिल नदाब पैदा हुआ, ये लक्ष्मी पासवान पैदा हुआ, और जैसे सरवण जी पैदा हुए, खेल जगत में अच्छा नाम किए, ऐसे सभी जगह से नाम हो और बिहार का नाम रोशन हो, पूरे विश्व के क्षितिज पर बिहार का नाम फैले, मधुबनी का नाम फैले, राजनगर का नाम फैले। और ये जो बच्चे, दोनों बच्चे जा रहे हैं, लक्ष्मी और शिवराम, दोनों को हम सभी शिक्षकों के तरफ से, आप पत्रकार बंधुओं के तरफ से, राजनगर वासियों के तरफ से शुभकामना देते हैं कि वहाँ परचम लहरा के आए। आप लोगों के देख रेख में राजनगर के धरती से आज इंटरनेशनल खेलने के लिए जो ये बच्चे लोग जा रहे हैं, काफ़ी आप लोगों का तारीफ कर रहे हैं। आप लोग ऐसा क्या इन लोगों को दिया जो इतना तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो कुछ देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक खेल का बात आता है और खिलाड़ियों का बात आता है, तो हम लोग हर एक चीज़ में राष्ट्र पुनर्निर्माण देखते हैं। तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इस खेल के माध्यम से राजनगर का लड़का वैश्विक स्तर पर जाकर राजनगर का नाम रोशन करेगा। तो राजनगर होने के नाते मैं भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ कि राजनगर की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, जहाँ से ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो यथाशक्ति हम लोग को जो सहयोग हम लोग से हो पाता है, बाकी सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, वो सहयोग कर पाता हूँ। प्रोत्साहित करते हैं आप लोग? एकदम प्रोत्साहित करता हूँ। आप लोगों के देख रेख में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं? निश्चित रूप से, मुझे खेल से भी पूरा लगाव था, और मैं नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो इस नाते लगातार खेल से जुड़ाव रहता है। यूथ स्तर जो जिला स्तर पर खेल होते हैं उनमें मेरा सहभागी होता है, तो इन लोगों का मैं एक क्लब बना के भी नेहरू युवा केंद्र में रजिस्टर्ड कराया।
और वहाँ से भी जो खेल के सामग्री बाकी जो सहयोग होता है निरंतर इन लोगों को करता आ रहा हूँ। और हम लोग का जो है कि एक कबड्डी में नहीं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मेरा जो सपना है कि हर एक विद्या में, हर एक खेल के हर एक क्षेत्र में राजनगर का लड़का वैश्विक स्तर पर खेले, ये मेरा सपना है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित हूँ। तो मैंने कहा कि राजनगर में मेरा घर है, इससे बड़ा गौरवशाली कि राजनगर का लड़का वहाँ खेलने जा रहा है, इससे बड़ा गौरव का बात और कुछ हो ही नहीं सकता। अपना परिचय बताओ। सुजीत पासवान, सिंडिकेट सदस्य, मिथिला विश्वविद्यालय। माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुल 55-56 खिलाड़ी है, लेकिन मैं अच्छे स्तर पर बच्चों को नहीं ले जा पाता हूँ क्योंकि मेरे एकेडमी को स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है, मेरे एकेडमी को अच्छा कोई स्पॉन्सर नहीं करने वाले मिल पाते। आप लोग से अनुरोध है कि मेरे एकेडमी को, जो शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर में चलती है, आप स्पॉन्सर कीजिए और मेरे बच्चे लोगों को सपोर्ट कीजिए। जैसे कि अभी उत्तराखंड में होने जा रहा है बच्चे लोगों का, तो पर प्लेयर 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और बच्चे के पास गरीब घर से बिलोंग करता है, जो नहीं दे पाता है तो बच्चे लोग नहीं जा पाता है। वहाँ पर अगर बच्चा जीतता है तो 6 लाख कैश प्राइज है, ऐसा अगर बच्चा जीतता है तो उनको सहायता मिलेगा। ऐसे के लिए आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मधुबनी जिला का, राजनगर का, पूरा इंडिया का नाम रोशन एक दिन आने वाला समय में करेगा। क्योंकि बिहार में मैं ही एक ऐसा अकेडमी चलाता हूँ मधुबनी जिला में जो चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा अकेडमी है, कोई मैं पैसा नहीं लेता हूँ जी। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे एकेडमी के बच्चे को स्पॉन्सर करें और आगे जाने का मौका दें। आप नेशनल खेल चुके हैं कबड्डी? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय खेल चुका हूँ, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी कारण से मैं आगे नहीं खेल पाया और मैं फिलहाल अभी एकेडमी चलाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपना खर्चा कैसे भी निकाल कर मैं बच्चे को फ्री में आपको ट्रेनिंग देता हूँ। सर, आप भी बैडमिंटन के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं? जी सर। तो आप इनको सहयोग करते हैं? जी, हम एक स्पोर्ट्समैन के नाते, क्योंकि मैंने जो सफर तय की थी स्पोर्ट्समैन के मैन के माध्यम से, मैंने जब स्टेट चैंप बना उसके बाद मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी, क्योंकि हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो गेम था वो बहुत एक्सपेंसिव था और उसमें शटल रैकेट बहुत महंगा होता था। तो उस समय जब हम जहाँ तक हमारे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ तक हमने खेला, उसके बाद हमारे साथ जब परेशानियाँ हुई तो हमें बैक आना पड़ा। तो जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे समाज का बच्चा, कोई भी बच्चा झेले। इसीलिए इसी को देखते हुए मैं सारे गेम को, मैं कबड्डी हो, फुटबॉल हो, जितने भी गेम हमारे समाज में होता है, राजनगर के जो भी टीम लोग हैं, जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं तन मन धन के साथ उनके साथ रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे राजनगर का, हमारे मधुबनी का नाम ये लोग ऊँचा करें और राष्ट्र स्तर पर हमारा राजनगर का नाम जाए, इतना ही मेरा भावना है। इसी भावने के साथ हम सारे खिलाड़ी के साथ, सारे जो भी कोच हैं, जो भी ट्रेनर हैं, सबके साथ हम बने रहते हैं और हमेशा बने रहेंगे।